हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम आदित्य कछुए और आज अपन महाराष्ट्र बोर्ड के मुनि एजुकेशन के चैनल पे पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। तो बहुत बढ़िया लेसन है और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है कि अपने आजू बाजू में सब जो सब्सटेंस दिखते हैं आपको, आपको चेयर दिखती है, आपको पानी दिखता है, आपको हवा दिखती है, हवा नहीं दिखती तो भी मैं बोल रहा हूँ, धुआं दिखता है, तो वो क्या क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या वो अपन देखते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ये सारा सीखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी बेसिक टॉपिक है, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि इसमें अपन पढ़ेंगे कि मतलब स्टेट कैसे चेंज होती है। आपने देखा होगा कि घर पे आइस देखा होगा आपने, ठीक है, तो आइस को आप थोड़ा बाहर निकाल के रखो, डिफ्रीजर से बाहर निकाल के रखो, क्या होता है, आइस मेल्ट होकर उसका पानी बन जाता है, ठीक है। वैक्स देखा होगा आपने, मतलब कैंडल, मोमबत्ती जो होती है ना, मोमबत्ती देखी होगी, मोमबत्ती जलती है उसका मोम नीचे गिरता है, वो भी क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो इस लेसन में अपन ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, आपको एक स्टूडेंट बोला कि एक पीस ऑफ वैक्स लो, मतलब जो अपने मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती तोड़ के उसके पीसेस बनाओ, उसको कटोरी में रखो, ठीक है, और कटोरी को ऐसे स्पिरिट लैंप पे हीट करना है अपने को। तो क्या देखोगे आप कि जो उसके अंदर का जो मोम था, जो मतलब वैक्स था ना, वो वैक्स पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। सो दैट इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज मेल्टिंग। यही सारी जो चीजें अपन इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लेट्स बिगिन। देखो, When a substance changes from one state to another, the process is called as change of states of a substance. कितना common sense है देखो, change of state of substance क्या होगा? Substance अपनी state change कर रहा है, state change मतलब क्या कर रहा है, महाराष्ट्र से गुजरात में जा रहा है क्या, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में जा रहा है क्या, नहीं, substance अपनी state change कर रहा है, मतलब एक state से दूसरी state में जा रहा है, दूसरी state मतलब क्या, एक solid से liquid हो रहा है, liquid से gas हो रहा है, या फिर gas से सीधा सीधा solid हो रहा है, तो this is known as change of state, ठीक है। तो देखो आपने ये देखा होगा, ये सारी चीजें आपने देखी होगी, 100% बोलता हूँ। ये क्या है, कापुराची आरती, दिस इज कापुर, ठीक है। ये क्या है, दीज आर नेप्थलिन बॉल्स। नेप्थलिन बॉल्स क्या होते हैं, अपन इसमें यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, अपन कपड़े में वगैरह स्मेल लिया नीचे बोल के अलमारी में डाल दिया मम्मी, तो ये नेप्थलिन बॉल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कापुर, कापुराची आरती। ये क्या है, दिस इज घी। घी क्या होता है, अरे घी देखते हो ना आप, घी देखो आप क्या होता है, घी आप मतलब थोड़ा विंटर में देखोगे ना, थोड़ा घट होता है, मतलब कैसा होता है कि वो एकदम सॉलिड हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप उसको अपने हाथ पे ले लोगे ना, हाथ पे आते वक्त कैसा मेल्ट होने लगता है, जो होता है ना घी, वो मेल्ट होने लगता है। क्यों, आपको बुखार है क्या? नहीं, आपको बुखार नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, विंटर में जो टेम्परेचर होता है अपना, विंटर में जो अपना टेम्परेचर होता है, दैट इज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अपना टेम्परेचर होता है। अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना, दैट इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे जो अपना घी होता है, तो वो अपना मतलब इस स्टेट में होता है, कौन से लिक्विड स्टेट में होता है, तो जब अपने हाथ पे लेते हो ना घी, कभी करके देखना विंटर में, ठीक है, विंटर में घी अपने हाथ पे लेके देखना, तो घी क्या होगा, पिघलेगा। तो वो क्यों होता है, कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से। तो यही चीज अपन सारी इस में लेके देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इफ इट इज हीटेड और कूल्ड, ठीक है। मतलब क्या है कि जो अपनी स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से सॉलिड होता है, ये कब होता है, जब आप उसको हीट करते हैं या फिर उसको कूल करते हैं, ठीक है, और जो सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स इज फाउंड इधर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। जो अपने आसपास जो सारे के सारे सब्सटेंस है ना, जो अपन देखते हैं कि मतलब ये देखो ये टीवी हो गई, ठीक है, या फिर ये मतलब मेरा हाथ हो गया, मेरी घड़ी हो गई, ये कौन सी स्टेट में मिलती है अपने को, एक तो सॉलिड में मिलेगी, या फिर लिक्विड में मिलेगी, या फिर गैसेस स्टेट में मिलेगी। ये तीन ही स्टेट में अपने को अपने सराउंडिंग की जो चीजें होती है ना, वो मिलती है। आप बोलोगे कि मुझे प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है सर, तो प्लाज्मा स्टेट में नहीं मिलती है क्या? तो बेटा जो प्लाज्मा स्टेट होती है ना, आपको मतलब आजू बाजू में नहीं दिखती। अगर प्लाज्मा स्टेट की अगर हवा होती ना अपने आसपास, अगर गैसेस अपने आसपास प्लाज्मा स्टेट के होते ना, तो अपना चिकन बन जाता, ठीक है, पूरा का पूरा अपन पक जाता है, इतना गर्मी पे प्लाज्मा स्टेट होता है। तो अपने आसपास की जो चीजें होती है ना, वो सिर्फ तीन स्टेट में होती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज है, गैस की क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी चीजें अपन इस लेसन में देखने वाले हैं। तो देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, पहले एग्जांपल देखो रे, सॉलिड क्या होता है, चूड़ा होता है, बर्थडे पार्टी का देखते हैं, सॉलिड क्या होता है, चूड़ा होता है, लिक्विड क्या होता है, जो अपने को स्प्राइट वगैरह पीने को मिलता है, थम्सअप वगैरह, ठीक है, और गैस क्या होता है, जो फूगे में आप भरते वो गैस होता है, अपनी बर्थडे पार्टी हो गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस करके अपने अपनी बर्थडे पार्टी कर ली। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिए हुए, सॉलिड में दिया हुआ पीस ऑफ आयरन, मतलब क्या, लोहे का टुकड़ा, ठीक है, लिक्विड में क्या दिया, वाटर, स्पिरिट, ऑयल, ठीक है, तेल, वाटर वगैरह, ये अपना लिक्विड में, गैस में क्या दिया, एयर, जो अपने आसपास जो हवा है ना, वो एयर गैस में आती है, ठीक है, और क्या होता है गैसेस में, लेज भी होता है, लेज, कुरकुरे, ये सारा क्या है, गैसेस ही तो है। उसमें क्या मिलता है आपको, पैकेट में चार चिप्स मिलते, इतना सारा गैस मिलता, तो वो भी गैसेस ही आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, सॉलिड का क्या दिया कि यहाँ पे हैज
शेप ऑफ इट्स ओन, मतलब सॉलिड को क्या होता है कि अपना खुद का शेप होता है, ठीक है। मार्कर क्या है, ये मार्कर सॉलिड है, ठीक है। इसका क्या है कि खुद का शेप है अपना एक, ठीक है। तो इसका ऐसा नहीं कि मैं इसको अगर एक डब्बे में डाल दूंगा तो मार्कर उस डब्बे का शेप ले लेगा। लेकिन जब अपन लिक्विड का देखते हैं ना, डज नॉट हैव शेप ऑफ इट्स ओन, तो इसमें क्या होता है लिक्विड में कि पानी को आप सपोज करो कि ग्लास में डाल तो ग्लास का शेप ले लिया, ठीक है। कटोरी में डाल दो कटोरी का शेप ले लेगा। लेकिन सॉलिड के स्टेट में ऐसा होता है क्या? नहीं, लिक्विड के स्टेट में क्या होता है, जिस चीज में डालो उस चीज का अपना वो शेप ले लेता है, ठीक है। एयर में क्या होता है, मतलब गैसेस में क्या होता है, डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, ऑक्युपाइज ऑल अवेलेबल स्पेस, ठीक है। सपोज करो आपने क्या किया कि एक बलून लिया, ठीक है, बलून में आपने फूक मारी, तो बलून में जितनी भी जगह है ना, वो गैस वो पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, कटोरी अगर खुली भी रख दोगे ना, तो खुली कटोरी में क्या अपना एयर है, एयर मतलब क्या गैसेस फॉर्म में, ठीक है। तो हवा जो है उसके अंदर पूरी की पूरी कटोरी की शेप फील कर रही है। लिक्विड क्या करता है, टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जैसे कि मैंने बोला था कटोरी का शेप ले लेगा, ठीक है। और मैं मार्कर अगर इसको रखूंगा तो क्या होगा, मार्कर अगर मैं कटोरी में रखूंगा तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लोग मुझे ऐड़ा बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मार्कर कटोरी में रखने से कुछ नहीं होगा, तो मार्कर का शेप चेंज हो रहा है क्या, नहीं। कटोरी का शेप चेंज हो रहा है क्या, नहीं। मार्कर कटोरी का मतलब कुछ ऐसा कटोरी का वाला शेप ले रहा है क्या, नहीं। तो क्या होगा, मार्कर जब अपन रखेंगे, मतलब जब सॉलिड अपन सॉलिड में रखते हैं या फिर सॉलिड अपन कोई कंटेनर में रखते हैं, तो उसके शेप पे कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। अभी देखते हैं पहला क्या क्या हो गया अपना, शेप का हो गया। अभी वॉल्यूम क्या देखते हैं, वॉल्यूम मतलब क्या, कितनी जगह लेता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कितनी जगह लेता है। ये मार्कर का वॉल्यूम क्या हो गया, मार्कर सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वो इसका वॉल्यूम हो गया। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, ठीक है। इसी तरह से जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह लेता है, वो अपने को देखना है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड लाइक शुगर सैंड व्हेन इट पोर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फ्रॉम अ हीप, मतलब क्या होता है कि सॉलिड जैसे कि शुगर एंड सैंड होता है। शुगर मतलब कैसे, ऐसे बारीक बारीक दाने होते हैं, आप जमीन पर जब गिराया होगा शुगर तो क्या हुआ होता, जमीन पर आप जब शुगर गिराते तब क्या हुआ, मम्मी की मार पड़ी थी, ठीक है। मम्मी के मार के साथ साथ आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि उसका देखो ऐसा पर्वत की तरह ऐसा बन जाता है, बन गया और बजो, ठीक है, ऐसा पर्वत की तरह बन जाता है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, हीप की तरह फॉर्म हो जाता है, कब, जब बहुत बारीक बारीक माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो माइन्यूट पार्टिकल तब ये होता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब अपना मतलब शुगर का डिब्बा होता है, शुगर का डिब्बा आप नीचे गिरा दिए तो उसमें कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि क्या है उसका मतलब क्या है कि डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, समझ लो सॉलिड का। अगर मैं इसको देखो, इसको मैं हवा में रखू, वैक्यूम में रखू, कहीं पे भी रखू, इसका जो वॉल्यूम रहेगा ना इतना रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा इस मार्कर का वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरह से अपने सॉलिड में क्या होता है ना, वॉल्यूम जो होता है हमेशा डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑक्युपाइज डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, फ्लोज डाउनवर्ड्स अलोंग अ स्लोप, ठीक है। क्या बोला है कि इसको क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं कि देखो एक पानी है, एक कटोरी में अगर आपका एक पानी है तो वो पूरी कटोरी भर रहा है, ठीक है। और कटोरी के जितना कटोरी जितना पानी बैठने वाला दूसरा ग्लास है, तो कटोरी और ग्लास का वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पानी है उसके अंदर का पानी जो है, पानी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। कटोरी से ग्लास में डालेंगे, ग्लास से जमीन पे डालेंगे, तो उसका वॉल्यूम कभी पानी का चेंज नहीं होने वाला है, उसका लिक्विड का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोली है कि वो जो है, सपोज करो कि आधा ग्लास भरता है, दो आपके पास आइडेंटिकल ग्लास है, ठीक है, दो आपके पास इक्वल ग्लास है, एक एक में डाला आपने, एक ग्लास में पानी डाला हो, वो अगर वहां पे आधा ग्लास भर रहा है, ठीक है, अगर वही ग्लास उठा के आप दूसरी ग्लास में डालोगे ना, तो वहां पे भी वो आधा ही ग्लास भरेगा, पूरा ग्लास नहीं भरेगा। तो दैट इज नोन एज ऑक्युपाइज डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, ठीक है। मतलब कितना, एक पर्टिकुलर पोर्शन वो कंटेनर का ये करता है, उसका मतलब क्या है कि इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब क्या उसका वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम उसका क्या स्पेसिफिक है। उसके बाद में क्या दिया है कि जो अपन अगर सपोज करो कि आपने जमीन पे पानी गिरा, तो पानी गिराने के बाद क्या होता है, मम्मी की मार पड़ती है, लेकिन मम्मी की मार पड़ने के साथ साथ क्या होता है, पानी का पूरा पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो जब अपन इसको क्या करते हैं, पोर करते हैं फ्लैट सरफेस पे, तो वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। और उसके साथ साथ वो क्या होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप पे बहता है। आपने देखा होगा कि आप सपोज करो कि ऐसा आप मतलब पाइप कर दिया, ऐसा ऊपर से पानी डाल दो, क्या होता है, पाइप से पानी नीचे आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा पाइप कर दिया और यहां से आप पानी डाल दो ना, तो पानी नीचे गिरेगा, तो क्या होता है, पानी हमेशा स्लोप पे गिरता है, जो अपना लिक्विड होता है वो स्लोप पे नीचे घसीटता है, ठीक है। गैसेस में क्या होता है, डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। गैसेस का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। मतलब क्या है कि देखो, अगर आपने वैक्यूम क्रिएट करना शुरू किया, ठीक है, एक एक सपोज करो एक कंटेनर से अपन ने हवा निकालना शुरू की, तो उस पहले कंटेनर में क्या था, मतलब पूरा का पूरा गैस से भरा हुआ था, लेकिन उसमें अपन आधी भी गैस कर देंगे ना, तो पूरे कंटेनर में वो गैस होगी। मतलब क्या हो रहा है कि जो अपने गैसेस होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, देखो एक कंटेनर है, उसमें हवा है, ठीक है, हवा मैंने उससे आधी निकाल दी, तो उसमें से आधी हवा भी निकाल दी ना, मैं आधी कंटेनर में हवा नहीं रहेगी, पूरे के पूरे कंटेनर में हवा रहेगी। जो आधी हवा है ना, वो पूरा का पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई करेगी। तो अपन क्या बोलते हैं इसको, डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम,
देखो ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस. मतलब क्या है कि सपोज करो आपने ज्यादा हवा भर दी तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, मतलब क्या वॉल्यूम उसका, देखो क्या होता है अपन जब प्रेशर चेंज करते हैं ना तो वॉल्यूम उसका ऑल्सो चेंज होता है. ठीक है, प्रेशर जैसे चेंज करते हैं उसी के साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज होता है. तो ये होती है अपनी प्रॉपर्टीज गैसेस की. अभी देखो, अभी जो अपन बोल रहे थे स्टेट चेंज करेगा, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश जाएगा, आंध्र प्रदेश से दिल्ली जाएगा, वो अपन देखते हैं अभी. ठीक है, वो देखना है क्या? नो. क्या होता है स्टेट चेंज, मतलब क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे होता है वो देखते हैं. तो क्या होता है, देखो जब कभी हम लोग उसको हीट देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो उसकी क्या होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है. क्या देते हैं अपन, हीट देते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है. ठीक है, तो अपन जैसे कि पहले पढ़े थे, तो अपन जब हीट देते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, लेकिन उसको कूल कर देना तब भी चेंज होती है. तो देख लो यहाँ पे क्या होता है, देखो सॉलिड को जब मैं हीट कर रहा हूं उसका लिक्विड बन रहा है, लिक्विड को जब मैं हीट कर रहा हूं उसका गैस बन रहा है. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. बर्फ के गोले लो, गैस के ऊपर जाओ, गैस में मतलब उसको एक बर्तन में डालो, बर्फ के गोले को गर्म करो, पहले क्या होगा, वो बर्फ के गोले मेल्ट होंगे. ठीक है, उनका लिक्विड बनेगा. उसके बाद में उस लिक्विड को अगर हीट करोगे ना तो उसमें से बुबाले निकलेंगे, मतलब उसमें से क्या बबल्स निकलेंगे, उसका क्या बन रहा है, गैस बन रहा है. ठीक है, उल्टा मैं क्या बोलता हूं आपको कि जो बुबाले जो होते हैं उसको अगर सपोज करके आपने एक इसमें कंटेनर में कलेक्ट किया तो उसका क्या बनेगा, वापस उसको कूल करने के बाद लिक्विड बनेगा. लिक्विड को मतलब पानी को अपन वापस कूल करेंगे तो उसका आइस बनेगा. तो क्या होता है कि सॉलिड को हीट करने से उसका लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करने से उसका गैस बनता है. ठीक है, गैस को कूल करने से उसका लिक्विड बनता है, लिक्विड को कूल करने से उसका सॉलिड बनता है. ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, किस चीज की, हीटिंग से उसके स्टेट में क्या चेंज होता है. अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, टेम्परेचर एंड द थर्मामीटर. ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है. आपको जब बुखार आती है तब क्या होता है, कैसे आप बुखार गिनते हो, सर को हाथ लगा, अरे बाप रे बहुत बुखार आई है चलो हॉस्पिटल, ऐसा होता है क्या? तो मम्मी आपकी सर पे हाथ लगा के आपका गिनती है बुखार, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर क्या करता है, आपके मुंह में ऐसी चीज दे देता है. ठीक है, आपके मुंह में ऐसा एक थर्मामीटर आपको मिल जाता है. ठीक है, ऐसा मुंह में ऐसा थर्मामीटर डाल देता है. थर्मामीटर का काम क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है, मतलब जो अपना टेम्परेचर होता है वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कितना कम है कितना ज्यादा, मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अपन थर्मामीटर बोलते हैं. ठीक है, थर्मामीटर में क्या होती है, मर्क्यूरी होती है. मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पता है सबको, मर्क्यूरी मतलब अपना रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में मेटल होती है वो मेटल अपनी मर्क्यूरी होती है. ठीक है, मर्क्यूरी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है. तो देखो ये थर्मामीटर अलग अलग चीज के लिए यूज होता है. ये कौन सा थर्मामीटर है, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट, मेजरिंग रूम टेम्परेचर. कौन सा है, रूम टेम्परेचर वाला है. ये क्या है, फीवर वगैरह मेजर करने का. ठीक है, ये कौन सा, ये भी फीवर वगैरह मेजर करने का, बट दिस इज डिजिटल. ये कौन सा है, डिजिटल थर्मामीटर है ये. ठीक है, थर्मामीटर से क्या करते हैं अपन, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी का क्या है क्या नहीं अपन वो सारा देखते हैं. ठीक है, पानी अगर आप गर्म कर रहे हो पानी का टेम्परेचर कितना, वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एक थर्मामीटर पानी में डालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये थर्मामीटर का काम होता है, टेम्परेचर कितना हो रहा है वो मेजर करना. तो थर्मामीटर जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए. तो यहां पे देखो अपने को एक्सपेरिमेंट करना है, आइस लेना, मैं आपको बोल रहा हूं. ठीक है, आइस लेना है, आइस में आपको थर्मामीटर डालना है. ठीक है, तो आइस में थर्मामीटर डाल के कितना होगा टेम्परेचर वो बताना है. तो कितना होगा वो, जीरो से, जीरो या फिर जीरो से कम ही होगा. ठीक है, उसके बाद में आप पानी में थर्मामीटर डालोगे तो लगभग रूम टेम्परेचर के बराबर होगा. बॉइलिंग वाटर में थर्मामीटर डालोगे तो क्या होगा, इट विल बी अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये अपना मतलब थर्मामीटर के कुछ कुछ एग्जांपल्स है. बॉइलिंग वाटर को सीधे टच करना है क्या, नहीं. बॉइलिंग वाटर को पीना है क्या, नहीं. उससे क्या होगा, जल जाओगे. ठीक है, मजा आएगा क्या, नहीं आएगा. बॉइलिंग वाटर देखो 100 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग वाटर मतलब आइस 0 डिग्री सेल्सियस. हवा विंटर में जो होती है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, समर में कितनी होती है, ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस. फ्रिज में कितना टेम्परेचर है, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस. इनसाइड फ्रीजर कितना होता है, फ्रीजर और फ्रिज में डिफरेंस पता है क्या, देखो जब आप फ्रिज खोलते हो ना तो ऊपर एक छोटा सा कंटेनर होता है जहां पे आइस होता है तो उसको अपन फ्रीजर बोलते हैं. वहां पे कितना होता है, -18 से भी कम होता है. बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. बॉडी टेम्परेचर अपने एकदम शुरुआत में डिस्कस किया था, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि जो मतलब आप मतलब घी ले रहे थे उस एग्जांपल में बताया था कि 37 है. देखो बॉडी टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस अपना होता है. तो ये सारे के सारे टेम्परेचर होते हैं, आपको इसमें से मेजर करके देखना है. मुझे कमेंट में बताओ कि आपके घर पे थर्मामीटर है क्या, और अगर थर्मामीटर है तो आपने क्या क्या उसमें मेजर किया है. ठीक है,
मैं बचपन में क्या करता था पता है, मैं थर्मामीटर लेता था और वो सनग्लास जो होता है ना सूर्य का जिसको बोलते हैं अपन, जिससे मतलब एकदम सूरज की बीम छोटी कर सकते हैं, जिससे कागज वगैरह जलाते हैं अपन, मैं क्या करता था थर्मामीटर लेता था और जो सूरज की बीम है ना उसके ऊपर एकदम कॉन्सेंट्रेट करता था। वो थर्मामीटर जाता था फिर 80, 190, 130 पूरा का पूरा ही जाता था। एक बार क्या हुआ पता है, बहुत ज्यादा धूप थी, मैंने समर के डेज में यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, ऊपर गया ऐसा सनग्लास से उसको एकदम कॉन्सेंट्रेट किया छोटे से पॉइंट पे, बड़ा सनग्लास था मेरे पास और थर्मामीटर ही फूट गया, पूरी की पूरी मर्क्यूरी होगी। फिर क्या पड़ा मुझे, फिर मुझे पड़ी मार। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। तो क्या करना है आपने को, बस बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर ले सकते हो, उसके बाद फ्रीजिंग वाटर का और सारी बाकी दूसरी चीजों का, बट ज्यादा टेम्परेचर लोगे ना थर्मामीटर फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ग्लास जो होती है ना नीचे वाली बहुत पतली होती है। ठीक है, वो नहीं करना आपने को। बॉइलिंग क्या होता है, देखो बॉइलिंग मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, सुबह विंटर में क्या करते हैं, विंटर में सीधे सीधे ठंडे पानी से नहाते हो क्या? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। विंटर में ठंडे ठंडे पानी से नहाओगे तो सर्दी हो जाएगी, ठीक है, फिर गाना भी नहीं आएगा, सोना भी नहीं आएगा, ठीक है, बहुत दिक्कत आएगी फिर। तो विंटर में क्या करते हो, पानी गर्म करके नहाते हो। ठीक है, क्या करते हो, पानी गर्म करके नहाते हो। तो पानी गर्म होते हुए देखा है क्या आपने कभी? तो पानी गर्म होते हुए क्या होता है कि इनिशियली क्या होता है, छोटे 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 बुबाले निकलते हैं पानी से। ठीक है, तो लेकिन जब पानी और ज्यादा हीट होते लगता है ना, तो बहुत ज्यादा ऐसा बुबाले बहुत सारे निकलते हैं और पूरी की पूरी सी बाफ ऊपर निकलती है, मतलब पानी का जो होता है ना स्टीम ऊपर निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग मतलब क्या है कि बहुत सारी बाफ जो ऐसी होती है ना निकलती है ना, उसको अपन बॉइलिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉइल करने लगता है एकदम। ठीक है, और जो वेपर जो आती है ऊपर, ठीक है, आप ऊपर ऐसा हाथ पकड़ोगे, सब नीचे पानी ऐसा गर्म हो रहा है, ऊपर से हाथ पकड़ोगे तो आपके हाथ पे पानी पानी के छोटी छोटी बूंदे हो जाती है। ठीक है, पानी का वेपर आके आपके हाथ पे पानी की छोटी छोटी बूंदे हो जाती है, तो वो क्या हो रहा है कि वेपर का कन्वर्जन इसमें हो रहा है, वेपर का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वापिस पानी में हो रहा है, तो दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज कन्वर्जन ऑफ वॉटर, कन्वर्जन ऑफ वेपर टू वॉटर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, गैस का कन्वर्जन लिक्विड में होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहां पे मैंने ये ट्रिक बताई आपको। ठीक है, ये ट्रिक बताई मैंने आपको, लिक्विड का गैस होना उसको क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग बोलते हैं, और गैस का लिक्विड होना उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड का गैस बॉइलिंग, गैस का लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड का गैस बॉइलिंग, गैस का लिक्विड कंडेंसेशन। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कंडेंसेशन जो होता है ना, आप जैसे हाथ ऊपर रख रहे हो उसके, तो आपके हाथ के ऊपर पानी आ जाता है, उबलते पानी के ऊपर जैसे हाथ रखोगे ना, पानी के अंदर नहीं हाथ डालना, तो आपके हाथ का क्या हो जाएगा, चिकन मसाला हो जाएगा। ठीक है, पानी कैसे ऊपर रखना है और नीचे से जो बाफ आती है ना पानी पे, उसके देखना हाथ पे कि मतलब उसका क्या होता है कि आपके हाथ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट आ जाते हैं, तो वो अपने को क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या होता है, गैस का लिक्विड बनना, और बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड का गैस बनना। ठीक है, तो देखो वाटर का जो बॉइलिंग होता है एंड कंडेंसेशन होता है वो सेम 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंसेशन भी होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग भी होता है। तो वाटर का कंडेंसेशन पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमेशा कोई भी लिक्विड का, कोई भी गैस का, कोई भी सॉलिड का जो कंडेंसेशन पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा सेम होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो मैंने बताया था ना ऊपर वही देखो, लेकिन कितने आसानी से बताया था मैंने, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्रीजिंग क्या होता है, पानी को फ्रिज में रख देते हैं, फिर पानी का बर्फ बनता, उसको सर मैं फ्रीजिंग बोलता, आप एकदम बराबर बोल रहे हो। ठीक है, फ्रीजिंग उसी को बोलते हैं जो अपना लिक्विड होता है, लिक्विड का जब अपना सॉलिड बनता है, लिक्विड का जब सॉलिड बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, और मेल्टिंग किसको बोलते हैं, मेल्टिंग जब सॉलिड का लिक्विड बनता है उसको अपन मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक ट्रिक दिखाया था उसी तरह से एक और एक ट्रिक दिखाता हूँ। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड, This is known as freezing. और सॉलिड का लिक्विड इसको क्या बोलते हैं अपन, मेल्टिंग। ठीक है, जो लिक्विड का सॉलिड बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रीजिंग बोलते हैं, और सॉलिड का जो लिक्विड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक अपने को ध्यान में रखना है कि देखो कब, जब कभी आप मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को डालोगे ना, तो पानी एट ए सेम टाइम फ्रीज भी होता है और फ्रीज हुआ वाला पानी मेल्ट भी होता है। ठीक है, तो हमेशा कोई लिक्विड या फिर कोई सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, That is equal to its freezing point. जो melting point होता है वो freezing point के equal होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, melting point is equal to freezing point. ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें दी हुई है अपने को, कैंडल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है, तो कैंडल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मतलब 61 डिग्री सेल्सियस करोगे ना कैंडल एकदम पिघलने लग जाएगी। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करेगी, लेकिन 61 कर दोगे ना वहां से तो रैपिडली होगी। ठीक है, प्लास्टिक का कितना है फ्रीजिंग पॉइंट,
ग्रेटर देन 250 डिग्री सेल्सियस, तो प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आयन का कितना है 1535 डिग्री सेल्सियस, तो आयन का क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या है 1535 है, जितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है वही उसका कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है इनका 2862 डिग्री सेल्सियस, प्लास्टिक का कितना 954 डिग्री सेल्सियस, कैंडल का कितना 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कैंडल का बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट, कंडेंसेशन मतलब कि गैस का लिक्विड होने का पॉइंट सेम है 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अपने को हमेशा ध्यान रखना है फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू कंडेंसेशन पॉइंट, ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखो अपने डे टू डे लाइफ में अपन क्या क्या जो फिजिकल चेंज होते हैं उसके क्या क्या यूज करते हैं। पहली बात तो आप आइसक्रीम खाते हो, ठीक है। आइसक्रीम क्या होता है, अपन एक लिक्विड जो स्वीट मिल्क वगैरह होता है उसको अपन सॉलिड करके आइसक्रीम बनाया होता है, तो आइसक्रीम अपन खाते हैं, वो भी एक यूज हो गया। कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स, ठीक है। जो कैंडल्स अपन बनाते हैं ये अपन इस वैक्स को, पैराफिन वैक्स को मेल्ट करके बनाते हैं, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू मेक आइसक्रीम एंड कीप इट फ्रोजन, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं अपन, वो अपना क्या होता है आइसक्रीम को कूल स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एनिमल हस्बेंडरी, ठीक है। एनिमल हस्बेंडरी लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है। सैंड सिलिका, सैंड मतलब आपको पता है क्या, जो अपनी ग्लास बनती है ना, कांच देखते हो आप, शीशा देखते हो, अपने घर की कांच देखते हो, सारी की सारी कांच कहां से बनी होती है, मिट्टी से बनी होती है, ठीक है। सैंड से बनी होती है, सैंड को क्या करते हैं मेल्ट करते हैं, उसके अंदर वॉशिंग सोडा डालते हैं, उसकी ये बन जाती है, ठीक है। तो अपन सैंड को मेल्ट करके अपने क्या मिलता है, ग्लास मिलता है। गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं इसको अपन मेल्ट करके उसके दागिने बनाते हैं, मम्मी के जो दागिने होते हैं ना ऑर्नामेंट्स वगैरह, ये गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करके बनाते हैं। आयन को मेल्ट करके अपन टूल्स बनाते हैं, ठीक है। जो कोई मेल्टिंग का बॉइलिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है लाइफ में, मिल्क बॉइल करके पीते हो, वो भी मतलब क्या हो रहा है, एक स्टेट ही हो रही है, ठीक है। उसको क्या करें आप, उसके अंदर के सारे जर्म्स किल करने के लिए उसको बॉइल कर रहे हो, और उसके बाद में क्या कर रहे हो, मिल्क को फ्रीज करके उसके आप आइसक्रीम बना के खा रहे हो, सारी की सारी स्टेट चेंज अपनी लाइफ में अपन यूज करते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन देखते हैं अपन। सब्लिमेशन क्या होता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो मतलब मुझे बताओ, एक मुझे सॉलिड का मुझे गैस बनाने का, मुझे एक सॉलिड का एक गैस बनाने का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सॉलिड को लेके जाना पड़ेगा लिक्विड स्टेट पे, लिक्विड को लेके जाने पड़ेगा गैस पे, ठीक है। सॉलिड का लिक्विड बनाया, लिक्विड का गैस बनाया, सॉलिड का लिक्विड बनाया, लिक्विड का गैस बनाया, ये हो गया नॉर्मल मेथड। लेकिन कोई कोई क्या होता है ना, एबनॉर्मल होता है, आपने भी क्लास में देखते होंगे बहुत ज्यादा धींगाना करने वाले बच्चे होते हैं, उनको कुछ नहीं समझता है, कितना भी उसके ऊपर डालो उल्टे घड़े पे पानी डाल जैसा होता है, कोई कोई एबनॉर्मल होता है, ठीक है। तो उसको अपन सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, अपनी पहले गाड़ी कैसे चल रही थी, सॉलिड से गाड़ी अपनी गई लिक्विड पे, लिक्विड से गई गैस पे, ठीक है। अपनी कहां थी, सॉलिड पे थी, सॉलिड से लिक्विड गई, लिक्विड से गैस पे गई, ठीक है। तो ये जो सब्लिमेशन की गाड़ी है ना, ये सब्लिमेशन की गाड़ी सीधे सीधे सॉलिड से गैस पे जाती है। सब्लिमेशन की गाड़ी कहां से कहां तक जाती है, सीधे सीधे सॉलिड से गैस पे जाती है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन किस चीज का होता है, देखो आयोडीन का यहाँ पे हो रहा है, तो आयोडीन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आयोडीन लिया अपन ने, और आयोडीन को अपन ने हीट किया, तो आयोडीन सीधा सीधा गैस बनके यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपना सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन मतलब क्या, सीधा सीधा सॉलिड का गैस बनना, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। एकदम आसान लैंग्वेज में बताओ तो सीधा सीधा सॉलिड का गैस बनना, उसको अपन सब्लिमेशन बोलते हैं। आयोडीन के क्रिस्टल जो होते हैं मेल्ट नहीं करते, सीधे सीधे सॉलिड को आप हीट करोगे ना, सीधा सीधा उसका गैस बनता है, तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। तो अपने को ये बताना कि ये सारी चीजें किससे बनी है, ठीक है। ये किससे बना रहा है, ग्लास किससे बना हुआ दिख रहा है, ये ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन के जो रॉड होते हैं किससे बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं, मतलब क्या आयरन से बने होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये चौक पाउडर का जो कुछ होगा, व्हाइट पाउडर, तो ये साल्ट है कि चौक पाउडर, ये अपने को पता करना है। अपने को यहाँ पे दिख रहा है तो मुझे तो लग रहा है साल्ट लग रहा है, ठीक है। चौक पाउडर मैंने कभी देखा नहीं है, तो पाउडर बनाना पड़ेगा अपने को चौक का। ये क्या है, ये दरवाजा है, दरवाजा किससे बना है, ये वुड से बना है, ठीक है, लकड़ी से बना है। लेकिन आप जान के हैरानी होगी कि ऐसे प्लास्टिक के भी दरवाजे हैं मार्केट में, जो ऐसे आपको सेम टू सेम डिटो एकदम प्लास्टिक के दरवाजे भी दिखेंगे, तो आपने को क्या करना पड़ेगा, बजा के देखना पड़ेगा, फिर उसको छील के देखना पड़ेगा कि उड़ गए कि प्लास्टिक का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस देखते हैं अपन। पहला होता है ब्रिटलनेस, ठीक है। ब्रिटलनेस क्या होता है, देखो जो अपनी ये होती है, मतलब जो चौक वगैरह होता है ना, छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े होते हैं उसके, ठीक है। चौक होता है, ग्लास होता है, कोई भी चीज अगर अपन उसको ब्रिटल कब बोलना है पता है क्या, उसको चीज को लेना जोर से पटक के मारना है कहीं पे, ठीक है। अपन ने चौक ले लिया, जोर से पटका, उसके क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अपन ने ग्लास को लिया, ग्लास को जोर से पटक के मारा, उसके क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अपने ईंट को लिया, ईंट को जोर से पटक के मारा, उसके क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसकी ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में, जो मतलब जब अपन उसको जोर से मारते हैं, उसके ऊपर अपन लगाते हैं इंपैक्टफुल फोर्स,
तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होने की प्रॉपर्टी होती है ना, उसको अपन सब्सटेंस की उसकी ब्रिटलनेस बोलते हैं। ठीक है, हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस क्या होता है कि उसकी रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। क्या करना है अपने को, किसकी हार्डनेस कितनी देखने के लिए अपने को एक क्या करना है, चिखल लेना है। ठीक है, मड जो होता है अपने, कीचड़ जो होता है, चिखल जिसको बोलते हैं अपन मराठी में, वो लेना है। उसमें अपने को कीला मारने की कोशिश करनी है। कीला मारना पड़ेगा कि आपको कीला ऊपर से भी छोड़ देगा ना, आर पार कर जाएगा। ठीक है, घर पे कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड में कील मारने की कोशिश करनी। तो कार्डबोर्ड में कील मारने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, कार्डबोर्ड से थोड़ा फोर्स में चला जाएगा आर पार। उसके बाद में क्या करना है अपने को, लोहे की शीट लेनी, लोहे की शीट में आपको कील मार के देखनी है। ठीक है, तो लोहे की शीट में आप कितने भी ये कर लो लेकिन लोहे के शीट में अपनी कील नहीं जा रही। ठीक है, तो दैट इज नोन एज हार्डनेस। जो मतलब जितना हार्डनेस, जितना रेजिस्ट करता है कील को, जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा उतना ज्यादा हार्ड है, अपन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस ऐसे बोलते हैं अपन उसको। उसके बाद में क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि जब अपन किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी चीज पे अपन जब फोर्स लगाते हैं तो उसका एक मतलब शेप चेंज होना और उसके बाद में वापस वो रीगेन करना, दैट इज इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये इलास्टिक है क्या, मैं मार्कर इलास्टिक है क्या? नहीं, देखो मैं इसको कितना भी खींच रहा हूँ कुछ इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसका क्या बोलते हैं, स्टेट बोल रहा हूँ, इसका क्या हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसको क्या लंबा नहीं हो रहा, चौड़ा नहीं हो रहा ये, तो दैट इज नॉट इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक क्या होता है, रबर होता है। इलास्टिक इलास्टिक भी होता है, अपने अपने पैंट के चड्डी में होता है इलास्टिक, तो पैंट के यहाँ पे नाड़े में वगैरह इलास्टिक होता है आपके, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक। फ्लूडिटी क्या होती है, फ्लूडिटी मतलब क्या होती है कि देखो जो अपना फ्लो होता है, जैसे कि सॉलिड जो होता है अपना फ्लो नहीं होता, लेकिन लिक्विड जो होता है वो अपना फ्लो होता है, तो उसकी फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको अपन उसकी फ्लूडिटी बोलते हैं। ठीक है, थीके? तो अपन क्या करेंगे कि एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड से अपन क्या करेंगे कि थोड़ा सा मतलब लिक्विड एक साइड से पानी डाल देंगे, एक साइड से हनी डाल देंगे, तो नीचे जल्दी कौन सा आएगा, पानी जाएगा, पानी आएगा, क्यों, क्योंकि पानी ज्यादा फ्लूड है। ठीक है, हनी कैसा था, स्लो 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 आएगा, तो ये क्या होता है, फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या होता है कि उसका फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कोई भी अगर अपन फ्लैट सर्फेस पे डालेंगे सही स्लोप करके, तो उसकी फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको अपन बोलते हैं उसकी फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी रही। उसके बाद में क्या होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी मतलब क्या, मुझे बताओ कि आपने एक बैग भर के कॉटन लिया एक हाथ में और दूसरी हाथ में आपने क्या किया है कि एक बैग भर के पत्थर लिए। ठीक है, तो दोनों से हेवी कौन सा होगा, तो जो पत्थर लिया है वो हेवी होगा, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है ना, दोनों मतलब सेम ही जगह ले रहे हैं, एक ही बैग भर के है दोनों भी, लेकिन पत्थर क्यों ज्यादा है, पत्थर का वेट क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी मतलब क्या, कितने कम जगह में कितना ज्यादा वेट है उसको अपन डेंसिटी बोलते हैं कोई सब्सटेंस की। ठीक है, मतलब आप मुझे बताओ, एग्जांपल फॉर एग्जांपल मुझे बताओ कि थर्माकोल की डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर लोहे की डेंसिटी ज्यादा होगी, आप मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, थर्माकोल की डेंसिटी ज्यादा होगी कि लोहे की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो बराबर बताएगा ना आंसर, मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। अब इसके बाद में क्या होता है, सोलुबिलिटी होता है। सोलुबिलिटी मतलब क्या होता है कि देखो एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में जो डिसॉल्व होने की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको अपन उसकी सोलुबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अपने क्या किया, यहाँ पे साल्ट लिया, साल्ट वाटर में डाल दिया, केरोसिन में डाल दिया, साल्ट वाटर में क्या होता था, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, साल्ट वाटर में गायब हो जाता है थोड़ी देर के बाद, उसको क्या बोलते हैं अपन, साल्ट इज सोल्युबल इन वाटर। ठीक है, साल्ट इज सोल्युबल इन वाटर। अगर अपन पानी में शक्कर भी डाल देंगे और हिला देंगे उसको, तो शक्कर भी क्या होता है, पानी में सोल्युबल हो जाता है, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ सोल्युबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है कि देखो एक जगह से, ये मेरा हाथ ट्रांसपेरेंट है क्या, मेरा हाथ आपने मुंह पे ला लिया, आपको मुंह दिख रहा है क्या मेरा, नहीं दिख रहा, लेकिन देखो ये मैंने बॉटल मेरे मुंह के सामने ला लिया, आपको थोड़ा सा मुंह दिख रहा है ना, देखो मुझे आपका थोड़ा सा, देखो कैमरा दिख रहा है मुझे, ये भी पढ़ पा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन मैं अगर कांच लूंगा ना, और कांच में अगर आपने मुंह के सामने रखूंगा तो आपको एकदम अच्छे से दिख पाएगा। ठीक है, तो कांच इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये जो था ना बॉटल जो था ना थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, अपने हाथ है ना एकदम ओपेक है, इसमें से कुछ इधर से उधर जाता नहीं, तो दैट इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है कि एक जगह से मतलब उसके अंदर से अपन अगर देख पाए ना उसको अपन ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट क्या क्या होता है, प्लास्टिक होता है, क्लीन वाटर होता है, ठीक है, एयर भी ट्रांसपेरेंट होता है। अगर एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो क्या होता, एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो जब धुका आता है ना, धुका मतलब क्या बोलते हैं अपन उसको, क्या बोलते हैं, धुका जो आता है देखो विंटर में, जहां पे अपने को सामने वाला आदमी भी नहीं दिखता, इतना ज्यादा कोहरा जो आ जाता है, कोहरा कोहरा बोलते देखो अपन उसको, तो अपने को सामने वाला आदमी भी नहीं दिखता, उसमें क्या होता है कि एयर की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। अभी क्या है, एयर एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो ये सारी होगी ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स मतलब क्या होते हैं, जो नॉन मेटल नहीं होते मेटल होते हैं। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो मेटल होते हैं, ऐसा है क्या, नहीं, अपन देखते हैं कि अपन मेटल्स क्या होते हैं, अपन वो देखते हैं। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं ना अपने अपने को अर्थ के पेड़ से जो मिलते हैं वो सारे के सारे मेटल हो गए, मतलब लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे के सारे मेटल हो गए। और मेटल के इतने सारे यूजेस है ना, मैं अभी कितने सारे मेटल पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर फॉर श्योर बोल रहा हूँ, कोई मतलब ये होगा, आयन होगा, ठीक है, इसके अंदर एल्युमिनियम होगा, कॉपर होगा, ठीक है, और उसके बाद में और कौन कौन से मेटल होते हैं, अपने फोन में भी मेटल होता है, अपने सिक्के यूज करते हैं अपने, वो भी मेटल होते हैं। मैं अगर कोई चेन पहना रहता है सोने की, अभी नहीं है मेरे पास, सोने की अगर चेन होती है ना वो भी मेटल की होती है। ठीक है, तो अपन मेटल का इतना सारा यूज करते हैं, देखो यहाँ पे हैमर भी मेटल है, ये कीला भी मेटल है, तो सारे के सारे मेटल हो गए। तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है,
मेलेबिलिटी. तो मेलेबिलिटी क्या होती है, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी. तो क्या होता है कि मेटल को अगर अपन हैमर से मारेंगे, अपन हथौड़े से उसको ठोकेंगे ऐसे, ठीक है, अगर इसको अपन ऐसे ऐसे तो ठोक रहे ना, तो इसका क्या होता है कि शीट बन जाता है, ठीक है. आप क्या करोगे, कीले को कभी जोर जोर से बड़े बड़े हैमर से ठोक के देखो, तो उसका क्या बोलता है, ऐसा पतला शीट बन जाता है. दैट इज उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन मेटल की, मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद में क्या होता है, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होता है कि मतलब एक मेटल का अपन वायर भी बना सकते हैं, ठीक है. आप कॉपर वायर वगैरह देखते हो, उसको अगर मेटल को अपन जोर से खींचेंगे ना तो उसका वायर बनता है, ठीक है. या उसको छोटे ऐसे होल से अगर ऐसे खींच के निकालेंगे ना, उसका वायर बनता है. तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी, ठीक है. डक्टिलिटी अपन उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी DUCTILITY, डक्टिलिटी अपन उस प्रॉपर्टी को मेटल के बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद में क्या होता है, आप कभी घर पे आपका जो टिफिन बॉक्स है प्लास्टिक का, उसको स्टोव पे रख के उसमें खाना पकाते हो क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, और दूसरी बात, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है. या फिर आपके पास लकड़ी का कुछ बर्तन है, तो लकड़ी के बर्तन को रख के गैस पे उसके अंदर पकाते हो क्या खाना? नहीं. क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, उसके अंदर से हीट पास नहीं होती, ठीक है. तो मेटल क्या होता है, मेटल पे अपन क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेटल जो होते हैं हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है. मेटल क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी उनका अच्छा होता है, और उसके साथ साथ उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छा होता है. मुझे बताओ, वायर आपने देखिए, प्लास्टिक के वायर देखिए, देखो वायर जो देना हमेशा कॉपर के होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है. प्लास्टिक कवरिंग क्यों होती है, कि प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती. अगर प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती रहती है तो क्या होता, आप वायर को हाथ लगा दे डांस करते आप, ठीक है. तो प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती, इस वजह से क्या होता है कि प्लास्टिक की अपन कवरिंग लगाते, लेकिन उसके अंदर से वायर कौन सा होता है, कॉपर का होता है. तो अपने मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब क्या, हीट भी ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर करते हैं. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है. लस्टर क्या होता है, एक चमक जो होती है ना मेटल पे, देखो इसके ऊपर चमक है क्या मार्कर पे, नहीं है. लेकिन मेटल पे जो एक चमक होती है, देखो आपने स्टील के भगोने देख लो, या फिर घर के पीतल का कुछ देख लो, उसके ऊपर एक चमक होती है, या फिर मम्मी के गले में जो सोना होता है उसके ऊपर एक चमक होती है, ठीक है. दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज लस्टर, ठीक है. और हर एक मेटल का अलग अलग कलर होता है, सोना पीला होता है, कॉपर ऑरेंज होता है, और लोहा काला होता है कभी कभी रस्ट की वजह से, या फिर कभी कभी शाइनी भी होता है. तो ये सारी की सारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल होती है, ठीक है. और देखो स्ट्रिंग्स, देखो आपने कभी गिटार देखा है क्या, गिटार आपने अगर देखा होगा आपके बड़े भैया के पास होगा, तो उसमें क्या होता है, आप ऐसा मारते हो ना तो गिटार ऐसे बजता है, ठीक है. उसका क्या होता है, एक मेटल पे अगर ऐसे अपन खींच के उसको ऐसा बनाते ना, उससे उसकी आवाज आती है, ठीक है, वो वाइब्रेट होकर उसकी आवाज आती है. तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज सोनोरिटी, SONORITY, उसको क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं मेटल की, ठीक है. जो मेटल को अपन जब मारते, सपोज करो कि एक ग्लास अपन नीचे गिराते हैं, टन 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 ऐसा आवाज आती है, देखो एकदम मतलब वाइब्रेट होता है, उसका क्या बोलते हैं मेटल की, उसको सोनोरिटी बोलते हैं, ठीक है. आप क्या करो, एक प्लास्टिक का डिब्बा गिरा के देखो, एक मेटल का डिब्बा गिरा के देखो, ठीक है. तो दोनों में से आवाज किसकी ज्यादा आती है वो देखना. उसके बाद में मम्मी की भी आवाज आएगी, आपके पीट में बद से मारेंगी, वो आवाज अलग आएगी, लेकिन मम्मी को बोलना कि मैं साइंस के लिए कर रहा हूं, तो साइंस के लिए कर रहा हूं बोलेगा ना, तो शायद से आपको मार नहीं पड़ेगी, ठीक है. लेकिन करके देखना, एक प्लास्टिक का डब्बा फेंक के देखना और एक मेटल का डब्बा फेंक के देखना, आवाज के डिफरेंस क्या आता है कमेंट में बताना. तो ये था इस टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है. उसके बाद में आपने आजू बाजू के सब्सटेंसेस में क्या प्रॉपर्टी होती है, सारी की सारी अपने चीजें देखी, ठीक है. बच्चों अगर आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए मुझे बताओ, अपन वो वाला टॉपिक कवर करेंगे. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू, बाय.